हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम ब्रेड फिंगर बनाएंगे। चलिए फिर बनाते हैं ब्रेड फिंगर। ब्रेड फिंगर बनाने के लिए हमने यहाँ ब्रेड लिया है। ब्रेड के जो ये किनारे ब्राउन कलर के जो हमारे दिख रहे हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे और इसे फिंगर पीस में हम कट कर लेंगे। यह देखिए, हमने ब्रेडों को इस तरीके से हमने कट किया, आप देख सकते हैं। यह देखिए, इस तरीके से हम सभी ब्रेडों को कट कर लेंगे। चलिए फिर बनाते हैं। बाउल लिया है, बाउल में हम 4 चम्मच बेसन डालेंगे। दो चम्मच चावल का आटा लेंगे, इन्हें मिला लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, मिर्ची डालेंगे 1 चम्मच, ये कुटी हुई मिर्ची है, चिली फ्लेक्स वो हमने डाला है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, अगर आप सभी को तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। धनिया पत्ती डालेंगे, अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच, इसे मिला लेंगे। इसी के साथ हमने अदरक लिया है 1/2 चम्मच, इसे भी हम मिला लेंगे और इसका हम एक पानी के साथ पेस्ट बनाएंगे। यह देखिए, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। चलिए फिर बनाते हैं। यह देखिए, हमारे पेस्ट जो है तैयार हो गया। हमने कढ़ाई को बिठा दिया है और इसमें ऑयल भी डाल दिए हैं। अब हमारी ऑयल जो है बिल्कुल गर्म हो गया है। चलिए फिर हम इसे फ्राई करते हैं। ये देखिए, जो हमने कट करके रखे थे पीस ब्रेड का, वो हमने एक ले लिया है। इसे हम बेसन में डुबो देंगे और इसे हम कढ़ाई में डालेंगे। चलिए फिर डालते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम सभी पीस को डालेंगे और ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हम पलट लेंगे। यह देखिए, इसे हम हाई से मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। यह देखिए, हमारा ब्रेड फिंगर तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए अब हम दूसरा पीस डालते हैं। इसी तरीके से हम सभी पीस निकाल लेंगे। ये फ्रेंड्स, मेरा यह ब्रेड फिंगर तैयार हो गया है। इसे आप मीठी चटनी या तीखी चटनी के साथ सर्व करेंगे
और यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।